हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्रॉन। ओके, सो आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये मेरे बिहार कोऑपरेटिव बैंक जो एग्जाम हुआ था, जो कि आपका 10th जुलाई 2021 को बिहार कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ था, उसका स्कोर कार्ड आज रिलीज हो गया है। ठीक है, तो मैं ये स्कोर कार्ड आप लोग के साथ भी शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट है 10th जुलाई 2021। ओके, हियर इज माई नेम। ओके, एंड मेनली आई वॉन्टेड टू शो यू डैट इन इंग्लिश आई हैव गॉट 30 out of 30 marks। ओके, इन रीजनिंग आई हैव गॉट 19.25। आई थिंक आई वॉज स्टक इन अ पजल और समथिंग। ओके, एंड बिकॉज ऑफ विच माई ओवरऑल अटेम्प्ट इन द रीजनिंग सेक्शन वॉज लो। इन क्वान्टिटेटिव आई हैड अटेम्प्टेड अराउंड 30 questions। आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट इट वॉज अराउंड 29 or 28, आई गेस। आई थिंक इट वॉज समथिंग अराउंड 29 or 30 questions आई हैड अटेम्प्टेड, एंड इन दैट आई गॉट 25.25। आई थिंक आई मेड अ सिली मिस्टेक और समथिंग। ओके, बट इन दिस सेक्शन यू कैन सी दैट आई थिंक अ पजल, आई लेफ्ट अ पजल, आई वॉज अटेम्प्टिंग इट बट I could not make that puzzle, and because of which my overall marks in this section was low. Okay, so this session is mainly regarding this English section, and why I am showing you this, why I am showing you my English marks, English language marks, because अगर मैं 30 में 30 ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो English से लोग इतना डरते हैं कि English में फुल मार्क्स नहीं लाया जा सकता है। उनके दिमाग में सिर्फ ये एक धारणा बैठी हुई है कि सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंग्लिश में भी स्कोर कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको एक मोटिवेशन दिया जाए। ठीक है, कि आप इंग्लिश को जो है और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और मेरे जो भी सेशंस आते हैं, ठीक है, सारे आपके मेंस लेवल के को फोकस करते हुए ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप उन सेशंस को रेगुलरली आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, और जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, सारे चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर करता हूँ आपको, तो अगर आप उसमें आप थोड़ा सा समय देंगे तो आप में इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे। ओके, सो थैंक यू सो मच।